भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, मुकुट बिहारी वर्मा जी, बलदेव ओलक जी, श्री पलटूम राम जी, माननीय सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह जी, माननीय सांसद अक्षयवर लाल गौड़ जी, सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी भारी संख्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उपस्थित भाइयों बहनों, आदिशक्ति मां पाटेश्वरी के इस पावन भूमि पर दुनिया के अंदर शांति, मैत्री और करुणा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की इस पावन धरा पर पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि और सदैव नानाजी देशमुख की इस कर्मभूमि पर दुनिया के लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं आप सभी जनता जनार्दन की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पूर्वी उत्तर प्रदेश आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था। उपेक्षा का कारण यहां की गरीबी, यहां का पिछड़ापन और इस क्षेत्र में लोगों के मन में राष्ट्रीयता का भाव तो था, लेकिन विकास के प्रति जो जज्बा होना चाहिए था उस जज्बे को पंख नहीं मिल पा रहे थे। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद के उन सभी सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज उसका साकार रूप देखते हुए मिल रहा है। मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इस क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व बढ़ोतरी के साथ ही अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मात्र चार दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में 31 वर्ष पहले बंद हो चुके खाद कारखाने का उद्घाटन किया है। पहले की तुलना में चार गुना बड़ी क्षमता के इस खाद कारखाने का उद्घाटन करने के साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवपाटन कमिश्नरी के लोगों को कभी दिल्ली जाने का अवसर अगर प्राप्त हुआ होगा तो देश का सबसे बड़े हॉस्पिटल के रूप में एम्स की चर्चा कभी उन्होंने सुनी होगी, लेकिन आज एम्स गोरखपुर में आ गया है। बीमारी तो यहां पर दिमागी बुखार रहा हो, चाहे वह मलेरिया हो, कालाजार है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये आम बीमारी थी, इसका उपचार नहीं होता था, बल्कि अज्ञात बीमारी मान करके लोगों को उसके हाल पे छोड़ दिया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने
गोरखपुर में वायरल रिसर्च सेंटर हर प्रकार की इस प्रकार की बीमारियों की जांच का केंद्र बना दिया है और उसका भी लोकार्पण किया है। 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण 7 तारीख को किया है। इससे पहले 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन सिद्धार्थनगर से किया था, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश को दिया और आज हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए सरदेव अटल जी की इस कर्म भूमि पर, मां पाटेश्वरी की इस भूमि पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। भाइयों बहनों, ये राष्ट्रीय परियोजना 1972 में इस योजना को सहमति मिली थी और 1972 में मेरा जन्म भी हुआ, यानी मेरा 1972 में जन्म हुआ। हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, जनता जनार्दन की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन सरयू नहर परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इन सपनों को भी पंख लगाया तब जब 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना बनी। लेकिन भाइयों बहनों, पहले 2 वर्षों में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने रुचि नहीं ली। उससे पहले की सरकार, चाहे वह कांग्रेस की रही हो, बहुजन समाज पार्टी की रही हो या समाजवादी पार्टी की रही हो, उनके अंदर तो रुचि थी ही नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना आ गई तब भी लोगों ने इन रुचि नहीं ली और परिणाम क्या था, 1978 से प्रारंभ हुई योजना 2017 तक आते आते लगभग 40 साल बीत गए और 40 वर्ष में भी परियोजना आधी भी पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन योजनाओं का रिव्यू करना प्रारंभ कर दिया, समीक्षा प्रारंभ कर दी, देश के अंदर 100 ऐसी परियोजनाओं को लिया और उत्तर प्रदेश से कहा गया कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगना करना है, दुगना करने के लिए आवश्यक है कि सिंचाई की इन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से उत्तर प्रदेश की जिन 18 परियोजनाओं को इसके लिए चयन किया गया था उनमें से 17 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 17 परियोजनाओं को पूरा होने के साथ उत्तर प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। ये तब संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना लागू करके पैसे की कमी कहीं नहीं आड़े आने दी और किसानों की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। एक परियोजना उत्तर प्रदेश की मात्र है जिस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, वह है मध्य गंगा परियोजना। 3 जनपदों को जोड़ती है। लेकिन भाइयों बहनों, देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक इस सरयू नहर परियोजना, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, इन जनपदों को, जिन क्षेत्रों में लोगों ने सपना नहीं देखा था, मुझे याद है मैं जब 1.5 महीने पहले बलरामपुर जिले में आया था तो बलरामपुर का एक किसान मेरे पास आया था। किसान के चेहरे की खुशी बताती थी कि कुछ नया मिला है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या है, कुछ नया मिला है क्या? उन्होंने कहा साहब नहर पूरी हो गई है।
तो मैंने कहा इससे क्या लाभ है? उन्होंने कहा साहब हमारे खेतों को पानी मिलेगा, हम सब्जी की खेती कर पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगे और पैसा कमाएंगे, यहां से पलायन नहीं होगा, यहां का किसान अपने खेतों से सोना उगलने का कार्य करेगा। तब मैंने अनुरोध किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आपने 2015 में देश के किसानों के लिए जो सपना देखा था उसका एक जीवंत उदाहरण सरयू नहर परियोजना बन रही है और यह सरदेव अटल जी के उस सपने को नदी जोड़ो अभियान का भी सपना साकार करती है। घाघरा नदी को सरयू नदी से, सरयू नदी को राप्ती नदी से, राप्ती नदी को बाण गंगा नदी से और बाण गंगा को रोहिन नदी के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश के 9 जनपदों की लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का एक बेहतरीन माध्यम मिल गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज आप स्वयं राष्ट्र को समर्पित करने के लिए, इस महत्वपूर्ण परियोजना को समर्पित करने के लिए आज यहां पर आए हैं। आपका मार्गदर्शन और समय समय पर भारत सरकार के द्वारा दी गई मदद का परिणाम है कि इस परियोजना को एक समयबद्ध ढंग से जो कार्य 40 वर्षों में नहीं हो पाया उस कार्य को आपके मार्गदर्शन में विगत 4.5 वर्ष के अंदर पूरा करते हुए अपने अन्नदाता किसानों के सम्मान की रक्षा करने और उनकी आमदनी को आपकी भावना के अनुरूप दुगना करने के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। यह पूरा क्षेत्र नेपाल से जुटा हुआ क्षेत्र है। हमने जो पहला बैराज बनाया है जहां पर घाघरा और सरयू नदी मिलती है, मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल की सीमा प्रारंभ होती है। कितना उस नहर परियोजना आने के बाद कितना रमणीक क्षेत्र बना है, मुझे देख करके लग रहा था कितनी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर क्षेत्र बनने जा रहा है। इस क्षेत्र में पर्यटन की अनेक संभावनाएं बढ़ेंगी, किसानों की आमदनी आगे बढ़ेगी, यहां के नौजवानों को यहां से पलायन नहीं करना पड़ेगा, अत्याधुनिक खेती के माध्यम से सिंचाई की परियोजनाओं का लाभ उन्हें यहां पर प्राप्त होगा और आज आप स्वयं भी मां पाटेश्वरी के इस पावन धाम की इस जनपद में पधारे हैं। मैं इस अवसर पर आपका एक बार फिर से इस पूरे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज के इस अवसर पर पूरे 9 जनपदों को, उन 30 लाख से अधिक किसानों को जिन्हें इसका लाभ मिलने वाला है, हृदय से बधाई देता हूं कि आज सिंचाई की योजना का लाभ जैसे बलरामपुर के किसान के चेहरे की चमक बता रही थी, यह चमक इन क्षेत्र के उन 9 जनपदों के प्रत्येक किसान के खेत में इसी प्रकार से आगे देखने को मिलेगा। मैं एक बार फिर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 5 नदियों को जोड़कर 9 जनपदों के 30 लाख किसानों को लाभ देने के लिए 9,800 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई। 40 वर्षों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करें। बटन दब गया और बटन दबने के साथ साथ शिलापट का अनावरण, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना राष्ट्र को समर्पित, 30 लाख किसानों की सिंचाई के लिए लाभ का अवसर, जल शक्ति से जन शक्ति का प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आपके बटन दबने के साथ ही राप्ती
और सरयू बैराज के गेट खोल दिए गए हैं और प्रवाह प्रारंभ हो गया है। नौ नदियां जुड़कर, पांच नदियां जुड़कर नौ जनपदों के 30 लाख किसानों के खेतों को सींचने के लिए बह चली हैं। जल शक्ति से जन शक्ति का प्रारंभ। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कैसी है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रवाहित हो रहा है जल, गेट खोल दिए गए हैं। इसी परियोजना पर एक छोटी सी फिल्म हमने बनाई है जिससे आप पूरी जानकारी पा सकें। आइए देखते हैं ये छोटी सी फिल्म।